हरदोई के नए पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व CBCIT में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात थे। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर फतेहपुर, अमरोहा, बांदा, इटावा, कन्नौज समेत आधा दर्जन जनपदों में कार्य किया है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर बलिया, गाजीपुर, देवरिया, कन्नौज में कार्य किया है। वर्ष 2022 बैच में IPS अधिकारी बनने के बाद SP केशव चंद गोस्वामी की पुलिस अधीक्षक के रूप में हरदोई पहला जिला है। उन्होंने हरदोई SP का कार्यभार संभालने के बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों से परिचय लेकर जिले की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों का परिचय प्राप्त किया। साथ ही पत्रकारों को बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों के जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिले में तैनात रहे SP राजेश द्विवेदी का तबादला रामपुर में पुलिस अधीक्षक पद पर हो गया है। वो लंबे समय से हरदोई में पुलिस अधीक्षक रहे हैं। उनका स्थानांतरण हो जाने के बाद हरदोई में केशव चंद गोस्वामी ने हरदोई के नए पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार संभाल कर जिले की पुलिस। जी सर, आज आपने हरदोई पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार संभाला, क्या प्राथमिकता रहेंगे? मैं केशव चंद गोस्वामी पुलिस अधीक्षक के रूप में कल मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकता शासन की मंशा अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति जो शासन की है, अपराधी एवं माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा की प्राथमिकता, ये हमारी कार्रवाई है। साथ में पुलिस को हमारा सख्त निर्देश है, यदि कोई भी अपराधी तत्व, असामाजिक तत्व पुलिस पर फायरिंग करता है तो पुलिस उसका जवाब उसी भाषा में देगी और पुलिस भी फायर करेगी। तो ये शासन की मंशा के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जनता की कार्रवाई करना, जनता की सुनवाई करना और शोषित और गरीब वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, जो पीड़ित वर्ग है, उसकी सुरक्षा करना और उसकी सहायता करने के लिए यहाँ पर मुझे मिला। थैंक यू।